सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज संडे है, सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर बर्ड वॉचिंग एंड मैं आज अमन के साथ हूँ। सो अमन वी विल बी इन आवर वीडियो। सो अमन इज़ डूइंग PhD फ्रॉम FRI। सो ये आज हमारे साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वीकेंड में बर्डिंग ही करते हैं, बट आज ऐसा लगा कि हम आपको जहाँ हम जा रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए वो भी आपको दिखा दूँ। सो राइट नाउ वी आर एट द जंक्शन, जहाँ से मसूरी और देहरादून का जो एक मिड पॉइंट है वहाँ पे हम चाय पे रुके हुए हैं। सो या दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टॉप फॉर लाइक कप ऑफ टी। इट्स कॉल्ड सिंग्स कैफे एंड यहाँ से ये जो है मसूरी का रोड है एंड हियर इज़ अवर लोकेशन जहाँ पे हम अभी चाय पी के वी विल गो बैक। सो इन टर्म्स ऑफ बर्डिंग आपको तो पता ही है कि देहरादून इज़ अ वेल नोन प्लेस एंड मसूरी एरिया में देर आर लाइक फ्यू प्लेसेस जो काफ़ी जो है बर्डिंग के मामले में काफ़ी हाईलाइटेड है, लाइक हमारा ये जड़ी पानी मान लो, और आपका ये मसूरी से ऊपर जाके जो है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जबरखेत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो आज हम कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, लाइक मैंने अमन से बात भी की उससे रिलेटेड। सो अभी लोकेशन थोड़ा हमारा सस्पेंस है, बाकी मैं चाहूँगा कि मतलब अमन ही इस पे थोड़ा जो है लाइट डालें कि हम कहाँ जाएँ। सो या अमन, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस फॉर बर्डिंग। हमारा चाय आ चुका है एंड वी जस्ट रीड सम ऑफ द न्यूज़ हेयर। सो अभी बस चाय पी के वी विल बी एट द बर्डिंग लोकेशन, सो सीधे वहीं पे मिलते हैं गाइस। सो या वी रीच एट द बर्डिंग लोकेशन एंड वी आर रिवीलिंग इट एज अ बट्टा फॉल। So if you guys don't know about Butta Fall is right near to Masuri Road. Masuri पहुँचने से जो है 10 किलोमीटर आगे एक टर्न आता है, लाइक वी कैन से इट्स लेफ्ट टर्न। लेफ्ट से जो है नीचे जाके आपको 1.5 किलोमीटर के बाद आपका बट्टा फॉल आता है एंड वी आर डूइंग बर्ड वॉचिंग हेयर एंड सो फार वी हैव साइटेड 2-3 बर्ड्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ के हैबिटेट के हिसाब से। एंड या ही इज़ द होल व्यू ऑफ द लोकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ से। सो हम बट्टा फॉल पहुँच गए हैं, लाइक यू विल सी ही इज़ द बोर्ड ऑफ बट्टा फॉल एंड ये जो है बट्टा फॉल जाने का जो रास्ता है, यहाँ पे स्कूटीज आ रही हैं बट आई डोंट रिकमेंड यू गाइज टू टेक योर स्कूटी बिकॉज जो रास्ता ऊपर से है वो काफ़ी डाउनफॉल है और कभी भी जो है स्कूटी स्किट होने का चांसेस है। बट या इफ़ यू हैव अ गुड कार, बाकी कार तो यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं आप लोग को, खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो ये एरिया पूरा जो है बट्टा फॉल है, लाइक दिस इज़ द होल बट्टा फॉल एरिया। बर्ड्स के भी कॉल आ रहे हैं, लाइक वी विल सी कि कुछ दिख जाए आज अच्छा सा कोई रेयर बर्ड। सो ही इज़ द सेकेंड साइट जहाँ हम बर्डिंग के लिए आए हैं बट्टा फॉल के अंदर ही एंड एज यू गाइस कैन सी रोड काफ़ी मतलब जो है अंडर प्रोसेस है एंड आई गेस इट्स अ गुड स्पॉट फॉर बर्ड वॉचिंग एंड सो फार वी हैव साइटेड सम ऑफ लाइक 10-12 बर्ड्स हियर, बट काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं एंड सम ऑफ आर लाइक not been identified। बाकी आप मेरे background में सुन सकते हैं, there is like good calls of birds। It's common jester। Common jester? Yeah। So yeah, we are on the third side of the birding area and as you guys can see it's a very beautiful patch। जहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें कुछ अच्छे अच्छे बर्ड्स मिले, लाइक इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैच आई हैव एवर सीन फॉर लाइक बर्ड वॉचिंग। दोनों साइड में लाइक फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं, लाइक यू हैव बर्ड्स। सो यहाँ पे जो है स्विफ्ट जितने भी स्वेलोज हैं वो यहाँ पे मड लेके जा रहे हैं इस एरिया से। अगर आपको बट्टा फॉल आना है तो यू कैन easily enjoy rope way ride here। Right now I am showing you the rope way ride, as you guys can see yahan pe ye bhi aap enjoy kar sakte hain aur mast do log upar se bhi aa rahe hain ye dekhiye।
इट्स क्वाइट अ गुड थिंग अगर आप इस एरिया में आते हो, बट बर्डिंग परस्पेक्टिव से इट्स नॉट दैट गुड. हमें तो इतना अच्छा नहीं लगा, बट या अगर आप साइट सीइंग के शौकीन हैं, लाइक थ्रिल एंड एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप यहाँ आके जो है दिस काइंड ऑफ राइड्स यू कैन एंजॉय. नाइस. सो गाइज वी आर बैक इन टाउन. लाइक हम बर्ड वॉचिंग करके अभी हम देहरादून में इंटर कर चुके हैं. सो अभी हम स्नान पे हैं. स्नान पे वी आर हैविंग पराठास. लाइक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो अभी ब्रेकफास्ट खा के वी विल हेड बैक टू आवर लैब और वी कैन से द घर जाएंगे इसके बाद. बट हाँ, यहाँ पे आके हम जो है राजपुर में बिल्लू की चाय पी के ही जाएंगे. सो इट्स वेरी फेमस हियर. सो गाइज वी आर बैक इन कैंपस नाउ एंड हमारा जो आज का बर्डिंग सेशन था ये यहीं पे एंड होता है. एंड अमन वॉज राइट हियर. तो अमन, आज के कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स के बारे में बताइए हमें जो बट्टा फॉल में दिखा. आज का स्पेशल तो यूरोपियन गोल्डफिंच था. और सो मैं स्पेसिफिक बर्ड्स बता देता हूँ आज जो हमें जो वहाँ दिखे. लाइक वी साइटेड ब्लैक हेडेड जे और कुछ लाफिंग थ्रश भी थे वहाँ पे. एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बर्ड वहाँ पे थी दैट वाज लाइक यूरोपियन गोल्डफिंच. एंड बस वहीं देखते हैं देख के हम आ गए थे. एंड इट्स बीन लाइक अभी सुबह के 12 बज चुके हैं. वी आर बैक इन FRI कैंपस. तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं गाइस. आप लोगों से फिर एक न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. पीस आउट.